सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। जैसे कि हमने अभी तक चार मात्राओं का अच्छे से अंतर सीखा है ना, आपने वो सीखा भी है और उसका अभ्यास भी किया है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कौन कौन सी मात्राएं थी वो। सबसे पहले हमने कौन सी मात्रा का अंतर सीखा, वो था ई, ई और ऊ का सीखा था ना। तो चलिए आज हम सीखेंगे एक और ए मात्रा में अंतर। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये कौन सा स्वर है। देखो कौन सा स्वर है ये, ये है ए। कौन सा स्वर है ए, और इसका चिन्ह कैसे है। ये है इसका चिन्ह ए मात्रा का। ओके, अभी ये बताओ ये कौन सा स्वर है। ये है ए, बोलो मेरे साथ ए, और इसका चिन्ह कैसे है। ये है ए मात्रा का चिन्ह। बेटा जब मैं छोटी थी ना, एक बार मेरे मम्मा मुझे पढ़ाने बैठ गए और उन्होंने बोला कि आपको हिंदी का काम आता है। मैंने कहा हाँ जी करवाओ आप। उन्होंने मुझे बोला कि चलो आप मुझे बताओ कि आपको छोटी ए और बड़ी ए आती है। मैंने सोचा हाँ इसमें कौन सा मुश्किल काम है। फिर मम्मा ने बोला चलो लिखो छोटी ए। मैंने पता कैसे लिखा, मैंने ऐसे लिख दिया छोटी ए। तो उसके बाद मम्मी ने बोला बेटा अभी लिखो बड़ी ए। तो मैंने ऐसे लिख दिया। यही होता है ना, छोटी ए और बड़ी ए। आप भी ऐसे लिखते हो? नहीं, आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे, क्योंकि आपको पता है कि छोटी ए और बड़ी ए कुछ भी नहीं होता। क्या होता है फिर, इनकी जो आवाज है वो छोटी और बड़ी होती है। जब हम ऐसे ए बनाते हैं तो इसकी आवाज छोटी आती है और हम क्या बोलते हैं इसको, ए। हम छोटी ए बड़ी ए नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, ए। और जब हम ऐसे लिखेंगे, ये वाला स्वर लिखेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, ए, क्योंकि इसकी आवाज बड़ी ही हो गई है। हमें बोलने में समय लगा ना, तो ये इसकी आवाज बड़ी ही हो गई है। तो फिर मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा छोटी ए बड़ी ए कुछ नहीं होती, हमारे जो अध्यापक है वो हमें सिखाते हैं कि इसकी आवाज छोटी होती है और जब हम इसे बोलते हैं तो इसकी आवाज बड़ी हो जाती है। ए, ए, आप भी ऐसे ही बोलते हो ना, वेरी गुड। इनका अंतर सीखने से पहले मैं आपको बताऊंगी ए और ए मात्रा को लिखना कैसे है। आपके पास हिंदी में पांच लाइन्स है, सबसे ऊपर आपकी रेड लाइन होती है। जब भी आप ए मात्रा को लिखेंगे तो इसका जो चिन्ह है वो रेड लाइन से बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ठीक है, वो इसके अंदर ही लिखना है आपने। टच जरूर करना है लेकिन बाहर नहीं जाएगा। ऐसे ही ए मात्रा है, उसको भी आप लिखते समय रेड लाइन से बाहर नहीं जाएंगे, उसके अंदर लिखना है और उसको अच्छे से टच करना है, ठीक है बेटा। और जो ये मात्रा है वो व्यंजन के बिल्कुल ऊपर लगती है। तो चलिए अभी हम सीखते हैं इनका अंतर, ठीक है बेटा। चलो बोलो मेरे साथ, बेर बेर, बैर बैर। फिर से बोलो बे बैर, बोल के देखो बे बैर। तो क्या अंतर लगा आपको, बेर को बोलते समय बहुत समय कम लगा लेकिन बैर को बोलते समय समय ज्यादा लगा, और इसकी आवाज लंबी है, इसकी आवाज छोटी है। बेर मीन पता है क्या है आपको, खाए कभी आपने बेर, जो बेरियों पे लगते हैं यम्मी टेस्टी होते हैं ना। और बैर, बैर मीन्स दुश्मनी, और हमें कभी किसी के साथ बैर नहीं करना चाहिए। अगला शब्द है मेल मैन, मेल मैन। मेल मीन्स क्या होता है, मेल जोल, और मैन डर्टी गंदा।
सेड सैड, सेड सैड। सेड को बोलते समय कम समय लगा, सैड को बोलते समय समय ज्यादा लगा। सेड मीन्स मात्रा, किसी चीज की क्वांटिटी कितनी है, और सैड वॉक, ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे है। आप सबको सैर जरूर करनी चाहिए सुबह सुबह। बेल बैल, बेल बैल। बेल क्या होती है? क्लाइंबर, अंगूर की बेल, कद्दू की बेल, खीरे की बेल, और बैल जो गाय होती है उसका बछड़ा बड़ा होके बैल बन जाता है। तो आप अभी इनका अंतर अच्छे से सीख गए होंगे, तो इसको आप लिखेंगे भी और इसका बोलने का अभ्यास भी करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप इनका अंतर अच्छे से सीख चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक्टिविटी। आर यू रेडी? चलो बेटा, सबसे पहले मैंने यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं, ए और एम आते हैं। उसके बाद उनके जो चित्र हैं वो हमने यहाँ पे पेस्ट किए हैं। अभी हम एक एक चित्र उठाएंगे और उसके बाद उसका नाम कहाँ लिखा है उसे ढूंढकर उसके उचित स्थान पर लगा देंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मेरे साथ रीडिंग करो। बोलो क्या लिखा है ये, पढ़ो। पैसा, क्या लिखा है? पैसा। ऐनक, जेवर। थैला, एक। बैल, पैर। केला, बेलन, सेब। तो आप सबसे पहले चित्र उठाएंगे यहां से और मुझे बताइए ये कौन सा चित्र है। ये है ऐनक। तो यहाँ ऐनक कहाँ लिखा है ढूंढो, ढूंढो ढूंढो जल्दी से। ये रहा, तो हम इस चित्र को यहां लगा देंगे, ऐनक और ऐनक का चित्र। ठीक है, ये बताओ कौन सा चित्र है? ये है एक। क्या है? एक। कहां लिखा है एक? ढूंढो जल्दी से, जल्दी 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 ढूंढो ढूंढो फटाफट, देखते कौन ढूंढता है सबसे पहले। कहां है ये? यहां लिखा है एक, एक। अगला चित्र कौन सा है? जेवर, जेवर। आपके मम्मा पहनते हैं ना गहने, जेवर। तो ढूंढो कहां लिखा है जेवर? ये लिखा है जेवर। ठीक है, तो चलिए अगला चित्र देखते हैं कौन सा है, कौन है ये? ये है बैल। कौन है? बैल। गाय का जो बछड़ा है ना वो बड़ा होके क्या बन जाता है? बैल बन जाता है। तो ढूंढो कहां लिखा है मैंने बैल, ढूंढो फटाफट से। जी हाँ, ये है बैल। ये कौन सा चित्र है? ये है पैर। कौन सा चित्र है? पैर। तो हमने पैर कहाँ लिखा है इसमें? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, आप बताओ कहाँ लिखा है, ढूंढो फटाफट। वेरी गुड, पैर। ये पहचानो कौन सा चित्र है? ये है, बोलो बोलो, केला। कहाँ लिखा है केला हमने? ये रहा केला। ये कौन सा चित्र है? ये तो सबकी रसोई में होता है, होता है ना? क्या बनाती है मम्मा इसके साथ? गोल गोल रोटी। खाते हो सब? वेरी गुड। कहाँ लिखा है बेलन? ढूंढो।
ये रहा पेलन। अगला चित्र कौन सा है? थैला। कौन सा है? थैला। तो थैला कहाँ लिखा है हमने? ढूंढो ढूंढो फटाफट से। ये रहा थैला। ये कौन सा चित्र है? ये क्या है? ये है पैसा। क्या है ये? पैसा। आप सबको पसंद है? तो चलो ढूंढो कहाँ है पैसा। ओके, ये कौन सा चित्र है? ये है सेब। क्या है ये? सेब। कहाँ लिखा है सेब? फटाफट से ढूंढो। ये रहा। अच्छी लगी आपको ये एक्टिविटी? आपको भी चित्र की पहचान भी होनी चाहिए और उनका नाम भी पढ़ना आना चाहिए। अभी आपको अपने आसपास एक और ए मात्रा के चित्र ढूंढने हैं और मुझे जरूर बताना है कि आपने क्या क्या ढूंढा। ठीक है बेटा? ओके, बाय बाय।